अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या ऐसा कहा उस नाथपुती ने? हाँ दादी, हम जितना सोचते थे उससे ज्यादा खतरनाक निकली हूँ। उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर कहा कि हम पहाड़ से दोस्ती निभाएं और वो उनसे प्यार निभाएगी। दादी, हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इस बार हम पहाड़ को खो ना दे। गर्जी बिल्कुल सही कहते हैं, हम बहुत ही खराब किस्मत लेकर आए हैं। हमें पहाड़ का प्यार कभी नसीब नहीं होगा। मीरा, तुम अपना सिंदूर मिटा दो। और अपना मंगलसूत्र हमें दे दो, या तो कहीं जाके फेंकाओ। ये कैसी बातें कर रही आप दादी? ठीक कह रहे हैं हम। कल की आई लड़की से तुम बिना लड़े हार मान लेती हो, तो फिर ये सब की क्या जरूरत है? फेंक दो। दिखावे के लिए और भी गहने मिलते हैं, वो जाके पहन लो। एक काम करो, मंगलसूत्र हमें दे दो, हम फेंक देते हैं। दादी, ये सुहाग है हमारा, कोई शोपीस नहीं है। इसका एक एक मोती हमारे लिए अनमोल है, शादी के बंधन की तरह। ये ताकत है हमारे सुहाग की। यही तो हम समझाना चाहते हैं मीरा। पाणी ग्रहण संस्कार में संसार के सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया जाता है और वो नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं कि वो एक सूत्र में हमेशा हमेशा के लिए बंधे रहे। और इतने बड़े आशीर्वाद को तुम इतने हल्के में कैसे ले सकती हो? अरे, पतिव्रता के बल पे सावित्री ने अपने पति को यमराज से छुड़ा के लेके आई थी, तो ये देवी का किस खेत की मूली है? तुम अपने आप को इतनी कमजोर कैसे समझ सकती हो मीरा? वो लड़की तुमसे तुम्हारा पति छीनना चाहती है, तो सामना करो। अरे, जंग की तरह लड़ो। वो तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहती है, पर उसे कामयाब मत होने दो। अड़ी रहो, लड़ो, जीतो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। दादी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे लड़े हम? प्यार से बड़ी बड़ी जंग जीती जाती है। तुम प्यार से पार्थ का दिल जीतो, उसे एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितना खास है, और ये भी उसे एहसास दिलाओ कि तुम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा और कितना पवित्र है। लेकिन दादी, बेटा, कल पार्थ का जन्मदिन, ये सही मौका है पार्थ को खुश करने का। कुछ ऐसा करो कि पार्थ के लिए ये दिन खास हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि वो भूल कर भी ना भूले उसे। और अभी जितनी भी खटास आई है तुम्हारे रिश्तों में, उसे प्यार की चाशनी में
डुबा कर नामो निशान मिटा दो। आपने बिल्कुल ठीक कहा दादी, हम कल का दिन पार्थ के लिए बहुत स्पेशल बना देंगे। हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या करोगी तुम? कल सुबह हमने से कोई भी पार्थ को उनका जन्मदिन विश नहीं करेगा। हम सब उन्हें ये यकीन दिला देंगे कि हम में से किसी को उनका बर्थडे याद ही नहीं है। फिर कल जब वो स्टूडियो से वापस आएंगे तो हम उन्हें ऐसा सरप्राइज देंगे कि ये उनकी जिंदगी का बेस्ट सरप्राइज होगा। ये ठीक रहेगा। लेकिन दादी, क्या घर में सब हमारे प्लान में हमारा साथ देंगे? उनकी चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है वो सब कुछ करो, पर मेरी लल्ला का दिल जीत लो। और याद रहे, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड मॉर्निंग पार्थ, हमने आपके कपड़े अलमीरा से निकाल दिए हैं। आपको स्टूडियो जाने में लेट हो रहा होगा ना, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और आपका नाश्ता भी रेडी कर दिया है, तो आप नीचे आ जाइएगा। मीरा हमारा बर्थडे भूल गई। मीरा, आज डिनर पर चलें? नहीं पार्थ, आज नहीं, हमें बहुत काम है, तो फिर कभी। मीरा ने हमें बर्थडे विश नहीं किया, कहीं अब कल रात वाली बात से नाराज तो नहीं है? हमारे बर्थडे पे भी अभी तक वही बात लेके बैठी है, इतनी अकड़। कोई बात नहीं, अभी तैयार होकर नीचे जाएंगे ना, जब सब लोग हमें विश करेंगे तब इसे समझ में आएगा कि हमारा बर्थडे हमारे लिए कितना खास है। खुश रहो। पर लल्ला, आज कोई खास दिन है, हमारे पैर क्यों छू रहे हो? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। दादी हुँ? वैसे आज तारीख क्या है? इस बुढ़ापे में हम तारीख जान के क्या करेंगे? हाँ,
वैसे मीरा आज तारीख क्या है? आज 2 अगस्त। लला पर तुम क्यों तारीख जानना चाहते हो? आज कोई खास मीटिंग है? हाँ, एक बहुत बड़ी मीटिंग है, उसी लिए पूछ रहे थे। ये आखिर मीरा के दिमाग में चल क्या रहा है? हमें कुछ भी करके इसके प्लान को बर्बाद करना होगा। ये क्या करने वाली है? पार्थ, ये सब छोड़ो, आओ नाश्ता कर लो। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है और बहुत जरूरी काम भी हमको जाना है। हाँ, काम भी बहुत जरूरी है, तुम जल्दी जाओ। हाँ बाय। आपने उनको तो बिल्कुल शक भी नहीं हुआ। चलिए अब हम शाम की पार्टी की सारी तैयारियां निपटा लेते हैं। हाँ। मीरा, तुम जो ये अपनी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हो ना, उसमें प्लीज हमारी बीवी को इन्वॉल्व मत करना। प्रेग्नेंट है, प्रॉब्लम होगी उसे। जी गर्व जी, आपकी बीवी हमारी सगी छोटी बहन भी, ख्याल है हमें उसका, वो भी सच वाला। अरे बिट्टू, क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं किया? चलो जल्दी से खा लो, फिर तुम्हें दवाइयां भी तो लेनी है ना। वो दीदी, हमारा मन नहीं कर रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा एक काम करो, तुम्हें नाश्ता करने का मन नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कस्टर्ड बना देते हैं, वो तो तुम्हें बहुत पसंद है, उसमें खूब सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, तो एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है, अभी लाते हैं। अब देखिए दीवानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।